हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू दिस माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू दिस माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो कैसे हो दोस्तों, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और आपको जो प्रैक्टिस सेट मैं डेली देता हूँ, क्या वो आपको लाभप्रिय है, आपकी वो हेल्प करते हैं? इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। स्कोर मार्किंग तो प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि आप बहुत हार्ड प्रैक्टिस सेट भी नहीं है, आसान भी नहीं है, है मीडियम मीडियम वाला है। आप लोग उसको लगाइएगा, लेकिन आपको थोड़ा कठोर लगेगा कि इतना मुश्किल है। उसी टाइप का कुछ लेवल रहेगा आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को वो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप डाउनलोड कीजिएगा और लगाइएगा। बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े, बहुत सारे लोगों की मांग थी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बुक्स के बारे में पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बुक्स के ही बारे में कुछ बताने वाला हूँ। देखो, हिंदी मीडियम की इस वीडियो में पूरा हिंदी माध्यम वालों बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि हिंदी माध्यम वाले क्या करेंगे और इंग्लिश माध्यम वाले क्या करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, पैटर्न एक है, चीज़ें अलग होंगी। देखो, एनिशेंट हिस्ट्री तो भूल जाओ कि उस टाइप का कुछ आएगा, आएगा लेकिन उस लेवल का नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो करना है वो करना है आपकी जर्नल साइंस, फिजिक्स, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है, बायो जो होती है, वो लाइफ साइंस उसमें इंक्लूड कर देना। साइंस आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी वाला होना चाहिए। साइंस पढ़ने के लिए आप लुईसेंट की साइंस ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाली, और स्पीडी पब्लिकेशन की स्पीडी की साइंस ले सकते हो, क्योंकि साइंस के हो सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपको, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन तो नए जनरेट नहीं कर सकते वो, जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन नए जनरेट नहीं कर सकते, उसी तरीके से साइंस के क्वेश्चन को जनरेट नहीं कर सकते। पहले के दौर में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को जनरेट कर करके बहुत बार एग्जाम हो चुका है, पर अब हिस्ट्री दोबारा जनरेट करने का मौका नहीं है और वो लोग करेंगे भी नहीं। अब जनरेट होने वाली जो बात है वो है साइंस के क्वेश्चंस की। साइंस के क्वेश्चनों का पैटर्न अब बहुत तगड़े वाला आने वाला है इस ग्रुप डी लोको पायलट टेक्निशियन के एग्जाम में, तो उसके ऊपर पकड़ बनाइए। स्पीडी की बुक लीजिए। देखिए भाई, बुक अच्छी, बहुत सारी बुक अच्छी होती है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, स्पीडी की बुक जो होगी उसमें जो इतने सारे प्रश्न होंगे, आप सिर्फ बुक का नाम पढ़ के, आपने 36 लोगों से नाम सुना है तो इसलिए कहते हैं भैया स्पीडी से बहुत पहले पहले आता था, अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। उस बुक के अंदर कितनी सारी नॉलेज है यार, अगर आप उसको पढ़ लेते हो, अगर एक प्रैक्टिस सेट बनाने बैठोगे तो यार बहुत सारे क्वेश्चन उस बुक से आपके निकलेंगे। तो पहले बुक को रीड करिए, फिर उसका आकलन कीजिए अनदर बुक से। एक बुक रीड करिए, समझिए उसकी वो जो कहना चाहता है पुस्तक, उसको अपने अंदर डालिए। भाई एक बुक को करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है और आप इंस्टेंटली उसका रिजल्ट ला देते हो कि बुक अच्छी नहीं है, ऐसा मत करा कीजिए। मेहनत कीजिए बुक पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ मैटर नहीं करता है, हार्ड कॉपी मैटर करती है। अपने घर में जब पुस्तक लाएंगे, तब जब आप उसको पढ़ेंगे, तब आपको टेंशन बनी रहेगी कि उस बुक को फटाफट कंप्लीट करना है, तो रीड करके कंप्लीट कीजिए। साइंस पे जो फोकस कीजिए, साइंस के लिए आपको लुईसेंट लीनियर ऑब्जेक्टिव वाली ले लीजिए, स्पीडी कीजिए साइंस ले लीजिए, और अन्य पब्लिकेशन की वन लीनियर जो भी साइंस की आती है आप ले सकते हैं। कोई स्पेशल इस बार कुछ स्पेशल नहीं है कि रेलवे के लिए स्पेशल यही बुक है, कोई स्पेशल नहीं है। साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव लीजिए, स्पीडी की साइंस लीजिए और उससे आप अपना साइंस निखारिए। मैथ की बात आती है भैया, देखो मैथ के लिए अब या तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, या फिर भैया यूट्यूब एक माध्यम है अच्छा, और यूट्यूब पर भी आप वाईफाई स्टडी देखिए। मैथ के लिए चैप्टर वाइज उन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। आप एक पुस्तक, जैसे मैं सागिर अहमद बताता हूँ, या फिर मैं एक मैथ मेरे अमित वर्मा की बताता हूँ, वो ले लीजिए, या फिर आरएस अग्रवाल इवन, वो भी अच्छी बुक है, तो उसके चैप्टर वाइज आप बनाइए। उसके बाद आपको मैं जो प्रैक्टिस सेट देता हूँ, या फिर रेलवे का आप मैथमेटिक्स का स्पेशल ले सकते हैं, युवा पब्लिकेशन का रेलवे का सिंपली मैथ का ही आता है, उसमें मैथ के सारे क्वेश्चन होते हैं। यूनिक का भी आता है, स्पीडी का भी आता है, कोई भी एक ले लीजिए, वहाँ से मैथ सीखिए ऑनलाइन वीडियोज से, एक एक चैप्टर सीखिए। उस एक एक चैप्टर के ये जो प्रैक्टिस सेट रेलवे के आते हैं मैथ के, उनके प्रैक्टिस पूरे मैथ के चैप्टर वाइज बनाइए। देखिए आपको इवन निखरेगा, आपका माइंड निखरेगा, और वाईफाई स्टडी तो है, आप अगर वहाँ से मैथ सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीख सकते हैं। मैथ हो गया, साइंस हो गया, दो चीज़ आपकी बहुत एकदम बिल्कुल निखरी होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर आपका करंट अफेयर होता है, इस बार करंट अफेयर भी बहुत मस्त लेवल का आएगा। युवा का, अरिहंत का युवा पढ़िए, महीने का न्यूज़पेपर एक आता है, उसके साथ साथ वाईफाई स्टडी का आप मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तीन चीज़ हो गई है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, करंट अफेयर के लिए वाईफाई स्टडी का, लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी का, वो इवन सब का करंट अफेयर सुबह सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर देते हैं, और एक हफ्ते का एक वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आपका करंट अफेयर हो गया। और कुछ आना नहीं है यार रेलवे में, इतना बड़ा चीज़ मत बनाओ, चीज़ों को जितनी छोटी करके रखोगे उतना वो स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपका स्मार्टफोन होता है, अगर स्मार्टफोन में बहुत सारी सारी हार्ड कॉपी, जैसे आपका फोटो, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल,
फोन नंबर, आप इन सब चीजों को एक हार्ड कॉपी में बना के कितना स्टोर हो जाएगा। साथ मानो एक डायरी में आप फोन नंबर लिखते हो, फोटोग्राफ्स लेके घूमते हो, लेकिन उस चीज को एक छोटी सी चिप में कन्वर्ट करके फोन में ले जाना कितना आसान होता है और बहुत एक्यूरेट होता है। फोन के अंदर आप फटाफट कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना, उस डॉक्यूमेंट का नाम डाला आपके फोन में, जो अगर वो डॉक्यूमेंट है तो फटाफट आ गया। उसी तरीके से इस सारे सिलेबस को आपको एक छोटी चिप में कन्वर्ट करना है कि एक चिप का एक दायरा आपको याद आते ही उस पूरी स्टोरेज के बारे में आपको पता चल जाता है। तो जो जो चीज़ें आएंगी उसको छोटा कीजिए, हवा मत बनाइए कि भैया साइंस बहुत आएगा, मैथ बहुत आएगी, रीजनिंग बहुत आएगी, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, रीजनिंग का पैटर्न छूट गया था, रीजनिंग के लिए आप लुइसेंट लीजिए, और रीजनिंग उतना हार्ड नहीं है मेरे भाई। प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, रीजनिंग आपको अगर कोई पढ़ाता नहीं है, किताब से भी सीखोगे तो हो जाएगा। बाकी वाईफाई स्टडी पे रीजनिंग भी क्लासेस टू क्लासेस चल रही है, वहाँ से आप अप टू डेट रहिए। एक चीज़ और बताता हूँ, सेवल और केवल YouTube के माध्यम से आप नहीं पढ़िएगा। YouTube पे अगर आपने ईयरफोन लगाया और मैथ देख रहे हैं, आपने कॉपी पेन कुछ उठाया नहीं है, मार्कर वाइट बोर्ड है नहीं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। वहाँ उसको देखते हुए कॉपी पेन जरूर लीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, दो सेकेंड रुकिए, प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए भाई, एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पटना में एक चीज है, ये व्हाइट बोर्ड है। देखिए इस पे आप जो स्कूल में एग्जाम करते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चे एक टेक्निक अपनाते हैं। अगर हम किसी कॉपी में एक क्वेश्चन को लगाते हैं, दो तीन बार लगा देंगे तो हम बोर हो जाते हैं कि नहीं यार अब तो आ गया, अब छोड़ते हैं। लेकिन इस व्हाइट बोर्ड का कमाल ये है, एक एक लड़का अगर एक एक प्रश्न पे अगर उसको गुस्सा आ गया तो उस प्रश्न को इस पे कई बार बना देता है, कई बार, लगभग दिन भर में 300-400 बार 2a+ 3a+, और इसको बनाने के बाद इसको इरेज भी कर सकता है, कपड़ा लेके भिगो के इसको इरेज कर देता है। ये यहाँ पे मैंने सोचा कि उस लड़के का ही इन्वेंट है, उसका ही जुगाड़ है, उसने ये किया। लेकिन यहाँ पे लोकल मार्केट में मैं पता करने गया तो यहाँ पे इवन सब लोग ये यूज़ करते हैं। एक मार्कर इसकी वैल्यू 6 रुपये है, और एक ये वाइट बोर्ड इसकी वैल्यू 15 रुपीज़ है, टोटल 56 रुपये है। और इससे आप कितना भी प्रश्न बनाइए इस पे, और इसको गीले कपड़े से पोछिए, बनाइए पोछिए, मतलब गीला कपड़ा उस टाइप का नहीं, हल्का सा गीला करके आप पोछेंगे, जैसे कि अब ये पेपर है हम इससे पोछ देते हैं अगर तुरंत तो ये मिट जाता है। अगर यही थोड़ा सा गीला करेंगे तो पूरा मिट जाएगा, जैसे हम व्हाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, और फिर से इससे हम प्रश्न इस पे बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक जुगाड़ है इंडियन बच्चों का, इसको आप यूज़ कीजिए और मैथ लग जाइए बिल्कुल। वाईफाई स्टडी खोलिए, व्हाइट बोर्ड लीजिए। देखिए मैथ को करने का मैं तरीका बताता हूँ, एक बुक रखिए, चाहे RS अग्रवाल रखिए, चाहे सागिर अहमद की रखिए, चाहे मैथ मिरर की रखिए, ठीक है, एक बुक सेपरेट रखिए, एक ये व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, एक ये मार्कर ले लीजिए, और एक कॉपी, कॉपी आपको लेनी है बिल्कुल, उसमें लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब साफ होना चाहिए कॉपी, अच्छी मोटी। आपने एक चैप्टर वाईफाई स्टडी खोलिएगा, मैथ का चैप्टर खोलिएगा, ग्रुप डी ALP लोको पायलट टेक्नीशियन का एक चैप्टर खोल लिया, उस चैप्टर को आपने देखना है अच्छे से, वो क्या बोल रहा है, जो चीज़ें वो बोल रहा है, जैसे कुछ रूल्स लिखवा रहा है, कुछ फॉर्मूलेस लिखवा रहा है, तो आपको वो रूल्स एक्यूरेसी होकर अपनी नोटबुक में लिखनी है। नोटबुक के अंदर लिखने के बाद आपने लिख लिया, जब उसने वो क्वेश्चन कराए उस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है और अपनी व्हाइट बोर्ड पे नोट करना है और बनाना है, जैसे उसने बनाया वैसे ही इस पे बनाना है। वीडियो को स्टॉप कर देना है या फिर उसको ऑफलाइन सेव कर लो, बनाने के बाद इसको इरेजर करो, वापस से बिना वीडियो देखे आपने प्रश्न लिखा और खुद से बनाइए इस बोर्ड पे। कितनी बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, तीन बार नहीं बनेगा, चार बार नहीं बनेगा, पांचवी बार वो क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद पांचवी बार जब ये बनने लगेगा, दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न मेरे को आ गया, दिमाग में घुस गया, मेरे को आ गया एक्यूरेट, वो का वो प्रश्न आपने उस नोटबुक में अपने फॉर्मूले के नीचे लिख देना है। और जहां पे आपको लगे कि यहां पे दो है तो इस तरफ आ गया, वो पांच क्यों हुआ है, वहां पे क्या फंडा लगाया गया है, वो वीडियो में बताया जाता है कि यहाँ का दो इधर जाके पांच क्यों हुआ है, या फिर यहाँ का मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड क्यों हुआ है। वो जैसे उसने किया है आपको वैसे ही नोटबुक में प्रश्न सॉल्व कराया, जहाँ आंसर उसके साथ आपने हिंदी में लिख देना है कि ऐसा क्यों होता है। मेन प्रॉब्लम यही है, बच्चों को ये नहीं पता होता अगर इधर डिवाइड है तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई होगा, बस वो यही सोचते हैं ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है। तो उसको एज इट इज आपने हिंदी में लिखना है, ताकि आप भविष्य में उसको दोबारा जब खोलोगे नोटबुक को, तो आप समझ जाओगे कि इधर दो है तो नीचे जाके पांच क्यों हुआ, ठीक है। और फिर जब ऐसे ऐसे वाईफाई स्टडी का जब आप पहला चैप्टर कर लोगे, वहाँ पे आपको 15-20 मैथ वो सिखाएंगे, उसके बाद उसी चैप्टर की वो जो किताब आपको मैंने बताई है, साकिर अहमद या फिर मैथ मिरर, अमित वर्मा या फिर RS अग्रवाल, उसी मैथ के चैप्टर से आप इस वाइट बोर्ड पे एक एक प्रश्न को बनाते जाइए, देखिएगा आपका चैप्टर पूरा होगा। अगर आपका एक एक क्वेश्चन इस पे बन जा रहा है,
इवन उस किताब का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में भी सॉल्व करते हुए जाना है और साथ में लिखते हुए जाना है कि इस प्रश्न में ऐसे किया मैंने, ऐसे किया, जैसे मैंने बताया कि इधर प्लस होता है तो इधर माइनस क्यों होता है, वो सारा आप एक्यूरेसी के साथ लिखते जाए, अपनी नोटबुक बना लीजिए सॉल्यूशन वाली। देखिएगा आपका जब एक किताब आप कंप्लीट कर लोगे मैथ की, आपको मैथ बिल्कुल आएगा यार। मैथ आप जब प्रैक्टिस करोगे या फिर जब आप टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैथ मेरा हो गया। इस तरीके से आप मैथ करिएगा। साइंस के लिए मैंने बता दिया, अगर साइंस के लिए मैं कुछ और भी बताऊंगा तो आपको कल इवन रोज मैं कुछ ना कुछ आपको बताते रहूंगा। आज का ये वीडियो मैथ को ही समर्पित है, आपको मैथ के बारे में मैंने बहुत अच्छी टेक्निक दे दी है, मैथ इसी तरीके पढ़िए। प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के एंड में मिलेगा, प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अगर नए हो और ग्रुप डी लोगों पहले टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो लाइक लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कुछ कमेंट वगैरह जरूर करना। मैं एक गिवे मेरा एक गिवे चालू है, कुछ दिन तक चलेगा मुझे, मैं ये सब कुछ कर नहीं पाता हूँ, सिंपली बोल देता हूँ कि मैं किसी को दो बुक दूंगा लोगो पायलट टेक्नीशियन की, और ऐसे दो पर्सन होंगे जिनको मैं दो बुक दूंगा। तो करना क्या होगा आपको, आपको सिर्फ नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से बोलना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। बस नीचे कमेंट में से ही मैं आप लोगों को चूज करूंगा कि मुझे किसको पुस्तक देनी चाहिए, और कमेंट से ही मैं निर्धारित कर लूंगा कि किसको जरूरत है। वैसे तो सबको जरूरत है, और ऐसा मत सोचिए कि उन्हीं दो लोगों को मिलेगा, क्योंकि उसी बुक के पीडीएफ मैं रोज वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके देता हूँ, एक एक प्रैक्टिस सेट। तो जिनको वो पुस्तक नहीं भी मिलेगी तो आप चिंता मत कीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट पीडीएफ के माध्यम से तो मिल ही रहा है, ठीक है। और इवन मैं उसके बाद भी प्रैक्टिस सेट देने की जो ये सीरीज है वो चलाते रहूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आपके घर तक पहुंचाऊंगा। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे वीडियो को, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है तो आपको पता है कि बहुत काम आता है, क्योंकि उससे जो इनकम होगा मैं उसी से आपको पुस्तक वगैरह खरीद के आपको दे सकता हूँ। इवन मैं अपने जेब से तो कुछ नहीं दे सकता, तो बस इसीलिए सारे लोग बोलते हैं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा भी मोटिव यही है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना।